नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 17 से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय जेल से पैरोल में छूटे कैदियों पर हमला हुआ। ट्रांसपोर्ट नगर में दहशत फैली है, 2 दर्जन नकाबपोश गुंडों ने दहशत मचाई, कई राउंड हवाई फायरिंग की है, 2 कारों में भी तोड़फोड़ की गई। जेल की रंजिश का बताया जा रहा है ये मामला, लोग दहशत में हैं, पुलिस मौके पर पहुंची है। सतना से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां केंद्रीय जेल से पैरोल पर छूटे कैदियों पर हमला हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर में दहशत का माहौल है। इस हमले के बाद 2 दर्जन नकाबपोश गुंडों ने दहशत मचाई, तोड़फोड़ की, गाड़ियां भी तोड़ दी हैं, कई राउंड फायर भी किए हैं और 2 कारों को तोड़ दिया है, तोड़फोड़ मचाई है कारों में। जेल की रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। पैरोल पर जब कैदी बाहर आए, जेल से बाहर आए, तो उन पर हमला कर दिया गया और इस हमले के बाद लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो जेल की रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। पैरोल पर कैदी जेल से जब बाहर आए तो उन पर हमला कर दिया, 2 दर्जन नकाबपोश गुंडों ने हमला किया है और इतना ही नहीं, तोड़फोड़ भी मचाई है, कारों को तोड़ दिया है, कारों में तोड़फोड़ मचाई है। केंद्रीय जेल से पैरोल में छूटे कैदियों पर यह हमला, सतना से खबर। ट्रांसपोर्ट नगर में दहशत का माहौल है। इस हमले के बाद 2 दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने दहशत मचाई है, कई राउंड हवाई फायरिंग भी की है, 2 कारों में तोड़फोड़ भी की गई। जेल की रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। जब पैरोल पर छूटे कैदी पर हमला कर दिया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शिवेंद्र सिंह बघेल जुड़े हुए हैं फोन पर। शिवेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी थे ये पैरोल पे अभी करीब 11 बजे रिहा हुए हैं और फॉर्मेलिटी जो पूरी करने के बाद जैसे ही वो जेल से बाहर निकले हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में जहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पे लगभग 1 दर्जन युवक जाते हैं जो नकाब में पहने रहते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, एक का हाथ पैर तोड़ दिया गया है और जो 2 वाहन थे जो उससे तोड़फोड़ की है, पूरी तरह से वो जो शीशे हैं वो तोड़ दिए हैं। पुलिस मौके पे पहुंच गई है और जो जानकारी मिल पा रही है उसपे ये इनकी रंजिश जेल के अंदर बंद एक राखी सिंधी है, उससे इसका विवाद हुआ था और उसी के गुर्गों ने जेल से बाहर जैसे ही वो निकले हैं उन पर हमला किया है, ये जानकारी सामने आ रही है। कुलगमा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। झाबुआ से बड़ी खबर, जहां बड़ा हादसा टला है। शॉर्ट सर्किट के चलते यात्री बस में धुआं उठा, बस में उठा धुआं और लोग डर गए। यात्री हालांकि सुरक्षित हैं, बिना फिटनेस के वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जिला अस्पताल के सामने यह हादसा हुआ, तस्वीरें आपके सामने। एक बड़ा हादसा टला है, बस में शॉर्ट सर्किट के चलते धुआं उठने लगा जिसके बाद बस को खाली कराया गया। यात्री काफी डर गए थे जो बस में सवार थे, बिना फिटनेस के वाहन दौड़ रहे हैं, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। सड़कों पर जिला अस्पताल के सामने ये हादसा हुआ है। जैसे ही बस से धुआं निकलना शुरू हुआ, यात्रियों को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि एक बड़ा हादसा टला है, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। झाबुआ से खबर, जहाँ शॉर्ट सर्किट के चलते यात्री बस में आग लगी और धुआं उठने लगा, ये पीछे तक धुआं आ गया और धुआं जैसे ही बस से निकला, यात्री सभी बस से नीचे उतर गए। दमोह से खबर, जहां सेंट जोन स्कूल के मेन गेट के सामने दीवार खड़ी की है। पुलिस विभाग के शासकीय आवास निर्माण के लिए दीवार खड़ी की गई। दीवार खड़ी होने से स्कूल का मुख्य गेट बंद हो गया है। सुबह सवेरे स्कूल पहुंचे बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाई दीवार खड़ी होने से। स्कूल प्रबंधन ने छुट्टी करके बच्चों को घर रवाना किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जमीन से रास्ता बनाया गया है। स्कूल प्रबंधन कलेक्टर SP से मिलकर आज समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेगा। स्कूल प्रबंधन की न्यायालय में भी जाने की तैयारी है, कोर्ट जाने की भी तैयारी है।
अचानक रात को पुलिस वाले ने पूरा ये गेट मतलब बाउंड्री वाल बना दिया गेट के सामने एकदम पूरा रात में हुआ शायद, लेकिन हमको सूचना कुछ नहीं दिया था। और हमको भी सड़क है, हमारा ड्राइंग में दिया हुआ, हमको भी रास्ता है इधर। तो अचानक ये जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, इससे परेशानी ये हुई है कि आज हमें स्कूल का अवकाश भी करना पड़ा है, पेरेंट्स को हम सूचना भी नहीं दे पाए हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे भी परेशान हुए हैं और जो उनका शिक्षा का मूलभूत अधिकार है उससे वो वंचित हो गए हैं। वाली बेटी को छोड़ने आया स्कूल तो देखा सारे पेरेंट्स भी बहुत से और बच्चे बाहर खड़े हैं, सर लोग भी खड़े हैं, और स्कूल का मेन गेट के सामने दीवार खड़ी हुई है। ये देख रहा है कि यहाँ पे दीवार खड़ी हो गई स्कूल के मेन गेट पर। क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक आप? जानकारी अभी कुछ भी नहीं है, जानकारी यही लोगों से यहाँ जो है उनसे पूछ के पता चला है कि रात में प्रशासन ने दीवार उठा दी। तो सुना आपने, जो पेरेंट हैं वो कह रहे हैं कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आए थे लेकिन देखा कि स्कूल के मेन गेट के सामने ही दीवार खड़ी कर दी गई है, इससे एंट्री नहीं हो पाई बच्चों की, बच्चे घर लौट आए। स्कूल प्रबंधन ने अब कोर्ट जाने की बात कही। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे आशीष जैन, जुड़े हुए हैं दमोह संवाददाता। आशीष, बिना सूचना के रातों रात दीवार खड़ी कर दी गई, काफी चौंकाता है। अनिश्चिति सुमित जी, मैं आपको बता दूं कि जो दीवार है पुलिस विभाग के द्वारा वहां पर जो क्वार्टर का निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर के दीवार वहां पर बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को नहीं है, बल्कि कई दिनों से कई महीनों से वहां पर कार्य चल रहा था और इस मार्ग को लेकर के लगातार बातें सामने आती रही हैं। और पुलिस प्रबंधन के द्वारा पुलिस के जो आरआई हैं उनकी मौजूदगी में दीवार खड़ी की गई। हालांकि पेरेंट्स को जो बच्चे वहां पर सुबह सवेरे पहुंचे उनको जानकारी उसी वक्त लगी जब वहां रास्ता बंद हो गया। हालांकि उसके बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों की छुट्टी कर दी गई। एक मैसेज भी छोड़ा गया है कि अभी कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद रहेगा क्योंकि दूसरा रास्ता भी स्कूल जाने के लिए है और वो रास्ता जैसे कंप्लीट होता है उसको लेकर के वहां से आवागमन शुरू होगा। हालांकि पुलिस विभाग द्वारा जो दीवार खड़ी की गई उसको लेकर के अभिभावक आश्चर्यचकित थे और कलेक्टर और एसपी से मिलने की बात भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा कही गई है जिससे कोई समाधान का रास्ता निकल सके। सुमित जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि सूचना उनको नहीं दी गई लेकिन पुलिस का कहना है सूचना पहले दी गई थी। बहुत धन्यवाद आशीष। आगे बढ़ते हैं सतना से बड़ी खबर, जहां तिरोला गांव में महिला से मारपीट हुई, जमीनी विवाद में महिला को पीटा, पिता और बेटे पर पिटाई का आरोप है। नादान थाना पुलिस में मामला दर्ज हुआ। सतना से खबर है, जहां तिरोला गांव में महिला से मारपीट और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। जमीनी विवाद में महिला को पीटा है, पिता और बेटे पर मारपीट का आरोप लग रहा है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला को पीटा जा रहा है। महिला को अस्पताल में फिर एडमिट भी करना पड़ा। सतना के तिलोरा गांव का ये मामला, जहां महिला से मारपीट हुई, जमीनी विवाद के चलते महिला को पीट दिया, पिता और बेटे पर पिटाई करने का, महिला की पिटाई करने का आरोप लगा। नादान थाना पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। महिला को मारपीट में चोटें आई हैं जिसके बाद महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। भोपाल से बड़ी खबर, दमोह में युवती से लव जिहाद के मामले पर बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कर्नाटक के उमर फारूक के खिलाफ बच्ची ने शिकायत दर्ज कराई है, यह जानकारी उन्होंने दी। आगे वो कहते हैं कि महिला थाने में केस दर्ज हुआ है, इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है, कर्नाटक भेजी जा रही है पुलिस पार्टी। आगे उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि प्रियंका वाड्रा से अनुरोध है जो कहती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश पुलिस की मदद करें, मध्य प्रदेश की बेटी को न्याय दिलाने में मदद करें। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि लव जिहादी मानसिकता को हम कुचल देंगे। आरोपी उमर फारूक पर धर्म स्वातंत्र विधेयक एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। दमोह महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कर्नाटक के अमर फारूक नाम के व्यक्ति के खिलाफ में महिला थाने में की रजिस्टर्ड किया है। इस मामले को हमने काफी गंभीरता से लिया है और आज ही कर्नाटक हम पुलिस की पार्टी को भेजेंगे
और मैं उनसे जरूर कहूंगा, आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं, कि ये उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश की पुलिस की मदद करे, जिससे पीड़िता जो मध्य प्रदेश की है उसको न्याय मिल सके। और मैं पहले भी कह रहा हूं, पुनः कहता हूं कि ऐसी जो लव जिहादी मानसिकता है इसको हम कुचल देंगे। पटना में हो रही विपक्ष की बैठक पर बोले हैं अमित शाह। उनका कहना है कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम बीजेपी और मोदी को चुनौती देंगे। विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते, और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। पटना में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। पटना में सदाकत आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम एकजुट हैं, कर्नाटक में एकजुट होकर चुनाव लड़े तो वहां बीजेपी हार गई, इसी तरह हम तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक से पहले राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम में पार्टी की रैली को संबोधित किया और कहा कि एकजुट होकर बीजेपी को हम हराएंगे। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। वहीं पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री और अमित शाह का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ठग बंधन बन रहा है, ठग बंधन की बैठक है। कम्युनिस्टों को ममता बनर्जी पसंद नहीं है, ममता बनर्जी को कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस को केजरीवाल पसंद नहीं है, केजरीवाल को समाजवादी पसंद नहीं है, समाजवादी पार्टी को उद्धव ठाकरे पसंद नहीं है, जनता इन सभी को अपनी पसंद बता चुकी है, बीजेपी पसंद है, मोदी पसंद है। ये ठगबंधन की बैठक है, और आप देखिए दूसरे पहलू से, कम्युनिस्टों को आदरणीय ममता जी पसंद नहीं है, आदरणीय ममता जी को कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस को केजरीवाल पसंद नहीं है, केजरीवाल को समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है। भोपाल से बड़ी खबर, कटनी जिले में बीजेपी को लगे एक साथ दो झटके, कांग्रेस में शामिल हुए हैं दो बीजेपी नेता, कांग्रेस में शामिल हुए हैं पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह, शंकर में तो भी कांग्रेस में शामिल हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष और दिग्विजय सिंह ने दिलाई है इनको कांग्रेस की सदस्यता। तो कटनी जिले में बीजेपी को एक साथ दो झटके लगे।
भोपाल से खबर है, गौतम नगर इलाके की ब्रिज विहार कॉलोनी से स्वास्थ्य विभाग और पीएच विभाग ने पानी के सैंपल लिए हैं। कॉलोनी के पानी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के शामिल होने की आशंका पर सैंपल लिए गए। कॉलोनी वासियों ने स्थानीय प्रशासन से शिकायत की थी। तो गौतम नगर इलाके के ब्रिज विहार कॉलोनी से पानी के सैंपल लिए हैं स्वास्थ्य विभाग और पीएच विभाग ने, क्योंकि स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस होने की आशंका है। और स्थानीय लोगों की शिकायत पर, स्थानीय लोगों की आशंका पर स्वास्थ्य विभाग और पीएच विभाग की तरफ से पानी के सैंपल लिए गए, जाँच होगी इन सैंपल की और जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बातचीत करेंगे भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, अब रिपोर्ट का इंतजार है सभी को। जी सुमित, आपको बता दें कि ये ब्रिज विहार कॉलोनी है जहां पर आप देखेंगे कि लोग परेशान हैं और सबसे बड़ी परेशानी पानी की है। और पानी की प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि यहां से सिर्फ 500 मीटर दूर ब्रिज विहार कॉलोनी है और यहां पर जो जहरीला गैस का रिसाव हुआ था उसका असर आज भी पानी में है। और आप देखेंगे कि इस तरह से लोगों को जो स्किन की परेशानी है वो देखी जा रही है और लोग इसी तरह से जो स्किन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनसे परेशान हो रहे हैं। त्वचा में बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो हो रही हैं और जो स्टोन है वो भी लोगों को परेशान कर रही। क्या परेशानियां हैं आप लोगों को, कब आपने शिकायत की थी? मैडम, इसको हमने 2018 से हम संपर्क में हैं, सभी प्रशासनिक सेवाओं में जो व्यक्ति हैं उनमें सभी लोगों से मैंने संपर्क किया है और सभी को मैंने सूचना दी है, मगर कोई भी नगर निगम जो है हमारा, जो कि पानी सप्लाई करता है, वो नगर निगम इस विषय में बिल्कुल भी जागा नहीं है। और नगर निगम ये बोल रहा है कि आपकी कॉलोनी प्राइवेट कॉलोनी है। हमारा कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 42 क्षेत्रों को प्रदूषित घोषित किया गया था, जिसमें हमारा निषादपुरा भी प्रदूषित है, तो वो आधे निषादपुरा को पानी दे रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा ये दर्ज कर रहे हैं कि हमने पूरे निषादपुरा को पानी दे रखा है। ये कागजों में ये झूठ बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जा रही है और हम इस पानी से निश्चित तौर पर सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। रंजना, बहुत धन्यवाद आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।